इन शिल्पियों की तरह यहाँ से वहाँ सफर करने में और लोगों का मनोरंजन करने में इतना आनंद आता होगा जितना आनंद कल गोपियों के संग होली खेलने में आएगा कान्हा। क्या हुआ माधव, कुछ उदास लग रहे हो? हाँ, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। तो क्या मैया ने आज खाना बांध कर नहीं दिया? दिया तो है, पर इसमें रोटी और भाजी है जो माधव को बिल्कुल पसंद नहीं। तो तुम्हें क्या खाने की इच्छा है? मुझे तो खीर पूरी खाने का मन है। खाने की पोटली तो खोलो, मुझे तो खीर की सी सुगंध आ रही है। खीर नहीं, मैंने कहा तो। अरे, ये रोटी भाजी खीर पूरी में कैसे बदल गई? क्या खबर लाए हो? अच्छा, तुम दोनों इसी वक्त जाओ और कामधेनु गाय उन दोनों बालकों से छीन कर मेरे पास ले आओ। अरे राधा, विमला, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? हम कौन सी घने वन में जाने वाले हैं? बस बाहर बाहर से कुछ जड़ी बूटी बटोर लौट आएंगे। राधा विमला को गए अरसा हो गया, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। हाँ बलदाऊ, मुझे भी उनकी कुछ चिंता हो रही है। सूर्यास्त का समय भी अब करीब आ रहा है, हमें वन में जाकर देखना चाहिए। कान्हा, क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? वहाँ उन वृक्षों के बीच से आ रही है। चलो चले देखते हैं। अरे राधा, विमला, हम कब से तुम्हें खोज रहे हैं? परंतु तुम दोनों यहाँ वन के बीच
इस प्रकार बैठी रो क्यों रही हो? गांव क्यों नहीं लौटी? हम तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हो रहे थे। हम दोनों वन में बहुत आगे निकल आए और वापस जाने का रास्ता भूल गए और हमें बहुत डर लग रहा था। अच्छा अच्छा चलो, अब हमें तुरंत ही गांव के लिए प्रस्थान करना चाहिए। परंतु पहले हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक बहुत अद्भुत चीज दिखाना चाहते हैं। वो क्या? पास की एक गुफा में हमने बहुत बड़ा खजाना देखा। अच्छा, तो तुरंत ही हमें वहाँ ले चलो। इस प्रकार कोने में छुपकर वार तो कायर ही करते हैं, दम है तो सामने आ। Oh!